बोनिकल जो आजकल हर जगह इंटरनेट की दुनिया पर छाया हुआ है, सभी उसकी बात कर रहे हैं, चाहे हेनरी सहूडो हो, चाहे एल्जामिन स्टर्लिंग हो, और चाहे कोई भी बड़ा स्पोर्ट्स एनालिस्ट हो, सबके हिसाब से बो निकल एक आने वाला बहुत बड़ा मेगा स्टार है यूएफसी में। पिछले दिनों डेना वाइट की कंटेंडर सीरीज से बो निकल्स निकले और बो निकल ने यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। अब यूएफसी के अंदर पहली मेन फाइट वो निकल की फिक्स हो गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आप हमारा चैनल यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी देख रहे हैं, जहां पर आप हिंदी में यूएफसी की न्यूज, फाइट एनालिसिस, फाइट रिव्यूज हमारे अपने तड़के से देखते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हिंदी में, एमएमए और यूएफसी की न्यूज चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वो निकल की फाइट फिक्स हो गई है जेमी पिकेट के साथ। अब ये दोनों के अंदर एक सिमिलैरिटी है, वो सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि 2019 में ये जो जेमी पिकेट है, ये भी डेना वाइट कंटेंडर सीरीज से निकला था, और ये जो बो निकल है ये अनडिफिटेड है, ये भी अभी डेना वाइट की कंटेंडर सीरीज से निकला है। इसने एमेचर करियर की मिलाकर और यूएफसी की कंटेंडर सीरीज की मिलाकर टोटल 5 फाइट लड़ी हैं, और उन 5 फाइट में ये अनटच्ड है, यानी कि इसको एक पंच भी नहीं लगा, यानी कि इसको खरोंच तक नहीं आई अपनी इन 5 फाइट में। तो इसने सीधा खमजत चिमायव को चैलेंज कर दिया, लेकिन आपको भी पता है कि इतनी जल्दी खमजत चिमायव को और बोन निकल को फाइट करवाना इजी नहीं है। तो इसीलिए बोन निकल को जेमी पिकेट के साथ जो है इसकी फाइट फिक्स कर दी है। कब? UFC 282 में। UFC 282 में 10 दिसंबर को जेमी पिकेट और बो निकल की फाइट होने वाली है। अब यहां पर देखिए, यूएफसी क्या कर रही है कि यूएफसी जैसे अपने प्लेयर्स को बड़ा नाम बनाती है, यानी कि जैसे प्लेयर्स को ग्रो करती है, वैसे ही अब बो निकल को ग्रो करना चाहती है। बो निकल की अगर प्रोफेशनल फाइट देखें तो 3 फाइट हैं और 3 विन हैं, जिसमें 2 सबमिशन है और 1 नॉकआउट है। ये नॉकआउट अभी फिलहाल उसने किया था 2-3 दिन पहले, इसीलिए उसे डेना वाइट की कंटेंडर सीरीज में, यूएफसी में एंट्री मिल गई थी। अब इसकी जो फाइट होने वाली है वो जेमी पिकेट से होने वाली है। जेमी पिकेट एक तरीके का जर्नीमैन मान सकते हो तुम, क्यों? क्योंकि ये 2 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पे है। किस पे? 2 फाइट लूजिंग स्ट्रीक। और लूजिंग स्ट्रीक पे आप ये देखो कि ये 2 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पे है, एक में नॉकआउट हो गया था, एक में चॉकआउट हो गया था, तो दोनों तरीके से हार गया था। तो 21 फाइट में से 13 विन और 8 लॉस, ये एक जर्नीमैन की पहचान होती है, यानी कि लगभग जितने जीतो उतने ही हार जाओ। अब यहां पर देखो कि इसकी 8 लॉस 25% KO से है, नॉकआउट से, 38% सबमिशन से और 38% डिसीजन से, यानी ये तीनों तरीके से हार सकता है, नॉकआउट से भी, सबमिशन से भी और डिसीजन से भी। अब यहां पर एक चीज देखने की जरूरत है कि जैसे ही हम इन दोनों रिकॉर्ड को देख रही हैं, तो यहां पर एक इजी विन दिखाई दे रही है बोन निकल के लिए। तो जब इनकी फाइट नजदीक आएगी तो मैं एक इन डेप्थ रिव्यू भी करूंगा, लेकिन अभी तो बस मुझे आप लोगों को इतना बताना था कि बोन निकल, जिसकी इतनी ज्यादा हवा बन चुकी है अभी, उसकी फाइट फिक्स हो गई है जेमी पिकेट के साथ। ये दोनों कंटेंडर सीरीज जो डेना वाइट की होती है उसके थ्रू आए थे, यानी डेना वाइट अपनी कंटेंडर सीरीज में फाइट करवाता है, जो भी उसे पसंद आता है उसे यूएफसी की टिकट दे देता है कि भाई आ जाओ यूएफसी में। तो इस साल अभी वो निकल आए हैं, 2 साल पहले जेमी पिकेट आए थे। अब ये जो फाइट होने वाली है ये कौन सी वेट कैटेगरी में है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये 185 में है। किसमें? 185 LBS में, यानी इजराइल अडेसानिया वाले वेट क्लास में ये होगी, मिडल वेट में। तो मिडल वेट में एक और नया कंटेंडर बोन निकल के रूप में निकल कर आ रहा है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि UFC 282 के बाद, यानी कि 282 में ही है ना ये, हाँ, UFC 282 के बाद जो है बोन निकल का नाम भी टॉप के कंटेंडर्स में लिया जाएगा, क्योंकि अभी अभी इसे मौका दिया जा रहा है यूएफसी में, आगे चल के टॉप 10 में आएगा, फिर टॉप 5 में, और फिर 2 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये टाइटल के लिए भी लड़ रहा हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, और यूएफसी की लेटेस्ट न्यूज के लिए, लेटेस्ट 5 रिव्यूज के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदी के अंदर अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल बेस्ट है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और जितने प्यारे कमेंट आप करते हैं वो कमेंट भी करें और वीडियोस को लाइक भी करें, क्योंकि जैसे ही यूएफसी के अंदर कुछ भी होता है मैं सीधा आपके सामने आ जाता हूं और आप और मैं एक फैमिली अब बन चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हंसते खेलते रहें। टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज, ख्याल रखें अपना।